Jai Hind. So friends, it is a fact that in our country, lakhs of youngsters are preparing and appearing in government job exams every year. कितने सारे youngsters ऐसे हैं जो prestigious colleges से graduation, post-graduation करने के बाद भी civil services, engineering services और भी different type के government exams में appear हो रहे हैं. Abroad से पढ़ने के बाद भी कई students आके यहाँ पे India में civil services का exam देते हैं. ऐसा craze क्यों है government job को लेके India में? बहुत से ऐसे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से यंगस्टर्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स गवर्नमेंट जॉब्स. इनमें से कुछ फैक्टर्स हैं लाइक स्टेटस, पावर, रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी, आपके पास अथॉरिटी होती है लोगों के वेलफेयर के लिए काम करने की, जॉब सिक्योरिटी, उसके अलावा वर्क लाइफ बैलेंस, और भी बहुत से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से यंगस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स गवर्नमेंट जॉब्स. बट हर एक का मोटिवेशन अलग है, हर एक की प्रायोरिटीज़ अलग हैं. किसी के लिए कुछ फैक्टर्स प्रायोरिटी हैं, किसी के लिए कुछ फैक्टर्स प्रायोरिटी हैं. बट अनफॉर्चुनेटली कुछ के लिए मोटिवेशन होता है करप्शन से पैसा कमाना, अनफेयर मीन्स से वेल्थ इकट्ठी करना. कुछ के लिए ये मोटिवेशन जॉब में एंटर करने से पहले से ही होता है और कुछ के अंदर ये मोटिवेशन जॉब में एंटर करने के बाद होता है. जॉब में एंटर करने के बाद दे फील लाइक कि हाँ वी हैव मैनी अपॉर्चुनिटीज़, तो हाँ इन अपॉर्चुनिटीज़ का मिस यूज़ करके अपनी वेल्थ को बढ़ाया जाए, विच इज़ अ रियली रियली सैड सीनैरियो. आई होप जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनका ऐसा बिल्कुल भी मोटिवेशन ना हो. बट इन केस आपके माइंड में 1% भी इस तरह का कोई थॉट है या आपका कोई इस तरह का मोटिवेशन है, तो इस सेशन को प्लीज़ ध्यान से सुन लेना. हो सकता है आपका वो मोटिवेशन और वो थॉट चेंज हो जाए. इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी अदर मोटिवेशन, एक मोटिवेशन ऐसी है जो हर एक के लिए कॉमन होती है, वो है रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी. रिस्पेक्ट का मतलब समझते हो? रिस्पेक्ट का मतलब होता है कि जो आपके पीठ पीछे भी हो, ये नहीं है कि आप चेयर पे बैठे तो इसलिए आपको रिस्पेक्ट मिले. रिस्पेक्ट असली वो होती है जब आप सिचुएशन में नहीं भी हो, जब दो लोग बात कर रहे हैं तो भी आपके लिए रिस्पेक्ट रखें, आपके लिए रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, वो है असली रिस्पेक्ट. और रिस्पेक्ट करोड़ों में अरबों में आप नहीं कमा सकते. रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ है जिसकी आप वैल्यू नहीं लगा सकते, और आप रिस्पेक्ट कमाते हो अपने काम से. अगर आप एक करप्ट ऑफिशियल हो गए तो आप जितनी मर्जी बड़ी चेयर पे बैठो, आपकी रियल रिस्पेक्ट हो ही नहीं सकती. ठीक है, आप एक अच्छी बड़ी चेयर पर बैठे हो तो ऑब्वियसली आपसे जो भी लोग इंटरेक्ट करेंगे एक रिस्पेक्ट से बात करेंगे, बट पीठ पीछे आपकी जीरो रिस्पेक्ट होगी. ये एक फैक्ट है, आप इसको एडमिट करो या ना करो. सेकेंड थिंग, अगर आप एक करप्ट ऑफिशियल बनोगे तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि कभी भी आप चैन से जी नहीं पाओगे, कभी भी फियरलेसली जी नहीं पाओगे. रात को आपको स्लीपिंग पिल्स लिए बिना या ड्रिंक किए बिना नींद नहीं आने वाली है. फैमिली के साथ लेजर टाइम में, फ्री टाइम में घूमने जाओगे तो कभी भी इंजॉय नहीं कर पाओगे. क्यों? आपके माइंड में हमेशा फियर्स घूमते रहेंगे. एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब भी हमारा माइंड थोड़ा सा भी रेस्ट पे आता है, नॉर्मली जब हम अपना काम कर रहे हैं, चेयर पे बैठे हैं, वी आर टू बिजी, तो हमारा माइंड कॉन्टिन्यूसली काम कर रहा है, तो हमारा इधर उधर माइंड डाइवर्ट नहीं हो रहा है. थोड़ा सा भी जब हम उस सिनेरियो से बाहर जाएंगे, थोड़ा सा भी रेस्ट पे जाएगा हमारा माइंड, लाइक सोने से पहले या फ्री टाइम में बाहर घूमने गए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे फियर्स हमारे माइंड में आने स्टार्ट हो जाएंगे कि हमने वो गलत काम किया है तो अगर वहाँ ऐसा हो गया तो ये ना हो जाए, उधर हमने गलत काम किया है तो वहाँ ऐसा ना हो जाए. सो आपकी फैमिली आपके साथ इंजॉय कर रही है बट आप कहीं और ही खोए हुए हो. ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि आपने अपनी इनर सोल को ख़त्म कर दी है गलत काम कर करके. एक करप्ट ऑफिशियल की अंदर की आत्मा मर चुकी होती है. ही इज़ लाइक अ वॉकिंग डेड बॉडी. इंसान जिंदा तब तक है जब तक उसकी इनर सोल जिंदा है. इंसान इसलिए जिंदा नहीं है कि उसकी सांसें चल रही हैं. सो करप्ट ऑफिशियल अंदर से डर डर के मर चुका है. उसने अपनी अंदर की इनर सोल को गलत काम कर करके, करप्शन कर करके खत्म कर दिया है. सो ही इज़ लाइक अ वॉकिंग डेड बॉडी. सो उस इंसान ने जो इतनी मेहनत करके वो पोस्ट हासिल की, सो वो उसके अब किसी काम की नहीं है. क्यों? क्योंकि अब तो सिर्फ और सिर्फ उसकी फैमिली मेम्बर्स उसके करप्शन के पैसे से इंजॉय कर रही हैं, लेकिन वो खुद अंदर से मर चुका है. तो ऐसी लाइफ का फायदा है क्या? लाइफ में पैसा प्रायोरिटी होना गलत बात नहीं है, बट ये आपको खुद को असेस करना है कि मेरे लिए कितना पैसा इनफ है. अगर आपको लगता है कि जो गवर्नमेंट सैलरी है वो मेरे लिए एडिक्वेट नहीं है, तो आप गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन बिल्कुल मत करो. और भी आजकल बहुत फील्ड्स हैं जिसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज है, देन यू शुड एम फॉर दोज फील्ड्स. ऑल दो गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो सैलरी देती है डेट इज एडिक्वेट टू लिव अ डिसेंट लाइफ, बट स्टिल अगर आपको जॉब में एंटर करने के बाद कभी रियलाइज होता है कि ठीक है जो सैलरी मुझे मिल रही है इट इज़ नॉट एडिक्वेट फॉर मी, मेरे सपने कुछ और थे वो फुलफिल नहीं हो रहे हैं,
तो अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो आप स्विच ओवर कर जाओ. आपको किसी ने बांध के तो नहीं रखा हुआ है, आपको किसी ने रोक के तो नहीं रखा हुआ है. लेकिन अगर आपकी ज़रूरतें ज़्यादा हैं, अगर आपको दूसरा कोई लाइफस्टाइल जीना है और आपका वो फुलफिल नहीं हो रहा है गवर्नमेंट जॉब में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप करप्शन करनी स्टार्ट कर दोगे. करप्शन करके आप सबसे ज़्यादा खुद का नुकसान करोगे. अगर आपको लगता है सिर्फ ये मॉनिटरी गेन से लाइफ में सब कुछ गेन हो सकता है, तो आपको नहीं रियलाइज़ हो रहा है कि आप कितने बड़े लॉस पे हो. आपकी हेल्थ खराब होगी, आपकी मेंटल हेल्थ खराब होगी. क्यों? क्योंकि आप हर वक्त स्ट्रेस में रहोगे. आपका लाइफ में एक फियरलेस एटीट्यूड खत्म हो जाएगा. आप लाइफ में बहुत अंदर से डरपोक बन जाओगे. एक वॉकिंग डेड बॉडी की तरह लाइफ जियोगे, क्योंकि आपकी अंदर की आत्मा मर चुकी है. इसके अलावा एक चीज़ हमेशा याद रखना कि लाइफ में जो चीज़ आप शॉर्टकट से गलत तरीके से गेन करते हो, वो उससे 100 गुना गलत तरीके से आपसे छिन जाएगी. लाइफ में एक टाइम ऐसा आएगा कि जो चीज़ आपने गलत वे से गेन की है, वो आपसे छिन ली जाएगी और उससे भी कहीं ज़्यादा नुकसान करके जाएगी. मे बी आपकी फैमिली में किसी को बहुत बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए, आपका बहुत पैसा उस पर लग जाए, कल आपके हो सकता है बच्चे अच्छे ना निकले. क्योंकि अगर आपके ही एक्ट्स गलत हैं, तो ऑब्वियसली उनका ही गलत इम्पैक्ट आपके बच्चों पे पड़ेगा, तो हो सकता है वो आपके कोई बड़े नुकसान करवा दें. यू विल रियलाइज दिस थिंग इन लाइफ एट अ लेटर स्टेज कि मेरा लाइफ में मॉनिटरी गेन्स से कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं हुआ है. इंडीड इस करप्शन की वजह से, ये गलत तरीके के पैसे की वजह से मेरा लाइफ में बहुत बड़ा लॉस हुआ है, और एक इररिपेरेबल लॉस हुआ है. एक करप्ट ऑफिसर से एक रिक्शा चलाने वाला, एक लेबर करने वाला इंसान फार बेटर है. एटलीस्ट वो इंसान अपनी मेहनत से सिर्फ और सिर्फ अपने हक की कमाई खा रहा है, और एक करप्ट ऑफिशियल दूसरों के हक की कमाई खा रहा है. तो ये सोच के देख लो कि उसकी लाइफ में इसके क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे. मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि लाइफ में इफ मनी इज लॉस्ट देन नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट देन समथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ करेक्टर इज लॉस्ट देन एवरीथिंग इज लॉस्ट. मतलब अगर लाइफ के अंदर आपको पैसे का नुकसान हो जाए, तो आपका कुछ नहीं गया है, क्योंकि पैसा वापस आ जाएगा. अगर आपका लाइफ में हेल्थ का नुकसान हुआ है, तो कुछ हद तक आपने कुछ गंवाया है. और लाइफ में अगर आपने करेक्टर गवा दिया, तो आपने सब कुछ गवा दिया. और एक करप्ट इंसान का कोई करेक्टर नहीं होता, क्योंकि करेक्टर इंसान का उसके काम में दिखता है. सो फ्रेंड्स, अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपका प्लीज़ ये मोटिवेशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि मुझे करप्शन करके गलत मीन से कोई पैसा कमाना है. और इवन जब आप जॉब में एंटर भी हो जाओ, तो कभी भी किसी भी लालच में आपको बिल्कुल भी नहीं आना है. अपने ऊपर पूरा सेल्फ कंट्रोल रखना है, और लाइफ में आपको रिस्पेक्ट अर्न करनी है. एक बार दोबारा ठंडे दिमाग से अपनी लाइफ में प्रायोरिटीज सोच लो. अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे मनी प्रायोरिटी लगती है मेरी, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, बट आप किसी और फील्ड की तरफ भी डाइवर्ट हो सकते हो. सो फ्रेंड्स, आई होप दैट आई हैव कन्वेड एन इंपॉर्टेंट मैसेज विच आई वॉन्टेड टू कन्वे टू ऑल ऑफ यू. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन. कीप वर्किंग हार्ड एंड जय हिंद.